हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट में होने वाले पहले प्लेऑफ मैच की। यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया है दोनों की, दोनों ही टीम्स ECB और शारजा बुख्तियार, दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। शारजा बुख्तियार नंबर वन टीम है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ एक मैच आ रहा है शारजा बुख्तियार ने, और कोई मैच नहीं आ रहा है। ECB की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 मैचेस हारी है ECB की टीम, और यहां पर जो शारजा बुख्तियार के खिलाफ भी इनके मैचेस हुए थे वो भी ये हार कर ही आ रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम्स ने अपने एक दूसरे के खिलाफ 2 मैचेस खेले हैं, ठीक है। उसमें से एक मैच जीती शारजा बुख्तियार, एक मैच जीती है ECB ब्लू। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, और दोनों ही टीम्स जो हैं टॉप की टीम्स हैं दोनों। मतलब शारजा बुख्तियार की अगर आप बात करो, 18 पॉइंट शारजा बुख्तियार के पास हैं और ECB के पास 14 पॉइंट्स हैं। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, और यहाँ पर आपको क्रेडिट पॉइंट का इशू पक्का आने वाला है, क्रेडिट पॉइंट के इशू, क्योंकि भैया बढ़िया बढ़िया प्लेयर आप नहीं ले पाओगे। हेड टू हेड अगर आप लेकर जाना चाहो तो आपको बढ़िया प्लेयर्स कुछ ड्रॉप करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप सारे बैट्समैन लेकर जाना चाहते हो तो भैया आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बॉलर लेकर जाना चाहते हो तो बैटिंग डिपार्टमेंट में आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ी टीम देखकर बनानी पड़ेगी, क्योंकि भैया परफॉर्मेंस जो है दोनों ही टीम्स की बहुत बढ़िया रही है, प्लेयर्स कोई भी प्लेयर इनका आके परफॉर्म कर सकता है। तो वो एक चीज़ हमें देखनी है, वो सारी की सारी डिटेल, और कैसे टीम बनेगी कैसे नहीं बनेगी, कौन सा प्लेयर कहां पर बढ़िया रह सकता है, वो सारी की सारी डिटेल अभी मैं यहां पर आपके लेकर आऊँ। यहां पर दूसरे प्लेऑफ की बात अगर मैं करूँ तो ये भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ दूसरे प्लेऑफ की, कि भैया अभी जो पहला मैच हो रहा है इनका, जो DPS और AED के बीच में होने वाला है थोड़ी देर में, तो ये इस मैच से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आएगी और सेकंड प्लेऑफ आकर खेलेगी। अभी DPS की टीम यहाँ पर 6 पॉइंट्स के साथ है, अगर गलती से अजमान एलुबॉन की टीम जीत जाती है, पर वो ये कि भैया उन्हें बहुत ज़्यादा रन मतलब रनों से जीतना पड़ेगा, क्योंकि रन रेट इनकी -2.90 है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दुबई पल्सेस की तो यहाँ पर इनकी रन रेट है 0.195। तो इन्हें वैसे मान के चलो दुबई पल्सेस यहाँ पर आपको दूसरा प्लेऑफ खेलती हुई दिखेगी, और वो प्लेऑफ मैं आपको कवर करता हुआ दिखूंगा। यहाँ पर अभी जो हम पहले प्लेऑफ की बात कर लेते हैं, दोनों ही टीम्स बहुत बढ़िया हैं। अभी तक आपको फाइनल अपडेटेड टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, और यहाँ इस मैच की अपडेटेड टीम आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि स्मॉल लीग में अगर आप देखो तो भैया बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, पर वो ये हम स्मॉल लीग में सारे प्लेयर्स नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्रेडिट पॉइंट के इशू की वजह से हम नहीं रख सकते हैं सारे के सारे प्लेयर्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की, तो पिछले जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें 2 बार जो है चेज करते हुए टीम जीती है, और यहाँ पर 1 बार हारी है। तो चेज यहाँ पर नहीं हो रहा है आराम से। उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ 118 रन, और दोनों ही टीम्स बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर टॉस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको सारी वो अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहीं से आपको जुड़ना है। यहाँ पर अगर मैं बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, पूरे के पूरे प्लेयर्स की बात करें, तो ECB के यहाँ पर वी अरविंद हमारे पास हैं। कल मैच इन्होंने खेला पर परफॉर्मेंस नहीं रही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ECB के वी अरविंद की, तो ओपन करता हुआ आपको दिख जाएगा हर एक मैच में, पर पिछले मैच की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो भैया इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। कल ही इनका मैच हुआ, कल मतलब आखिरी मैच ECB का ही था। वैसे ECB वो मैच हार कर आ रहे हैं, पर तब भी इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं रही। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 रन इन्होंने बनाए C-Suri, 40 रन C-Suri ने बनाए। रैफ अहमद की अगर आप बात करूँ तो ये प्लेयर आपको 5वें नंबर पर आता हुआ दिखा पिछले मैच में, उसकी भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर आप चाहो स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर आप ड्रॉप करते हो या नहीं। यहाँ पर एम बूता आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस बहुत बढ़िया रह सकता है। ग्रैंड लीग में मैंने चूज़ करा है, ग्रैंड लीग में आप चूज़ कर सकते हो, स्मॉल ग्रैंड लीग में भी बढ़िया रह सकता है ये प्लेयर, क्योंकि अगर वी अरविंद नहीं चलता है तो एम बूता को बहुत ज़्यादा चांस मिल जाएंगे चलने के। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कल वी अरविंद से ज़्यादा एम बूता के पॉइंट थे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, आपको ज़्यादा प्लेयर्स दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पर आर मनी हमारे पास हैं,
ओपन करता हुआ दिख जाएगा आपको प्लेयर। पिछले मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही सी सूरी, पिछले मैच में 40 रन, इसकी भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। सीपी रिजवान आपको नीचे आता हुआ दिखा पिछले मैच में, बहुत नीचे आया, पर वही है उनने मतलब चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करके देखे थे बुख्तियार की टीम में, तो हो सकता है कि भैया ये दोबारा वापस आ जाए जैसे चौथे पाँचवें नंबर पर आता था वैसे ही हमें आता हुआ दिख जाए। उसके बाद के शाह को नहीं खिलाया जा रहा, तो के शाह अगर खेल जाते हैं तो एक चीज़ ये पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा कि भैया हम क्रेडिट पॉइंट मेंटेन कर पाएंगे। एम उस्मान की अगर मैं बात करूँ तो एम उस्मान आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, स्मॉल लीग में अगर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। कल के मैच में 3 रन इसने मारे हैं। उसके बाद अर्सनल जावेद आपके पास हैं, इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए नसीर हमें कल खेलता हुआ दिखा, 10 रन इसने बनाया। उसके बाद यहाँ पर ए टंडन है, यानी तो के शाह खेलेगा यानी तो ए टंडन खेलेगा, और अगर के शाह खेल जाता तो ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए रहेगा क्योंकि क्रेडिट पॉइंट इससे हम अपने सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यू अली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपने टीम के लिए, रोहन मुस्तफ़ा है, दोनों प्लेयर आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा के दे देंगे। ए अनवर की अगर मैं बात करूँ तो ए अनवर आपको ऊपर आता हुआ दिख जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे भी मतलब वही है कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करवा के देगा, ए अनवर बैटिंग नहीं करेगा, तो ये आपको देख के चलना। और पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ 18 रन खाए हैं ए अनवर ने, तो आप अगर चाहो तो इस प्लेयर को लेकर जा सकते हो, आपको क्रेडिट पॉइंट इशू ये मतलब ठीक करके थोड़ा बहुत दे देगा, नहीं तो आप इसकी जगह जो है एक बॉलर एक्स्ट्रा पिक कर सकते हो, तो आपके ऊपर है आप ए अनवर के साथ जाते हो नहीं। के दाऊद आपको बॉलिंग करवा के दे देगा, बहुत बढ़िया प्लेयर है के दाऊद भी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस रमेश आपके पास है, इसने पिछले मैच में परफॉर्मेंस ठीक दी है थोड़े बहुत मैचेस में। एस शेट्टी जब से भी आया भैया इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, पिछले 2 मैचेस से आया और पिछले दोनों ही मैचेस से ड्रीम टीम में है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एस रमेश देखो तो भैया एस रमेश की भी आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी, पिछले ही मैच में इसने 3 विकेट चटकाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी, उससे पिछले मैचेस में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक गोपाल कृष्णन है जिसे बहुत कम प्लेयर्स ने लिया है, तो आप इस प्लेयर को भी पिक कर सकते हो, ये प्लेयर आपको ठीक ठाक करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले मतलब इन 3 मैचेस में तीनों मैचेस में हमारी टीम में था, तो ये आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर ए रज़ा हमारे लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, एच बिलाल आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, दोनों ही प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग रहेंगे। यहाँ पर के मैप्पन आपको क्रेडिट पॉइंट के इशू सॉल्व करके दे सकता है, और आर सिद्दीकी आपको पिछले मैच में खेलता हुआ दिखा, ये मतलब एक आधा कोई प्लेयर आपको 8 पॉइंट का खेलता हुआ दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेस टीम की बात करूँ तो वी अरविंद वैसे बहुत ज़्यादा लोग लेकर जाने वाले हैं, आर मनी स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में वी अरविंद आपको खेलता हुआ दिखी जाएगा। फिर उसके बाद सी सूरी, अगर केशा खेल जाता तो यार मेरे लिए क्रेडिट पॉइंट इशू बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि केशा एक तो आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, सी पी रिजवान से ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्म करता हुआ भी दे देगा, पर वही है पिछले कुछ मैचेस से इसे खिलाया नहीं गया है। देखो मतलब पिछले 3 मैचेस में उसमें 2 मैचेस में परफॉर्म ही नहीं करा इस प्लेयर ने, तो यहाँ पर उससे बढ़िया आपको सी पी रिजवानी लगेगा, पर वही है 0.5 का इशू आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एम उस्मान आप नहीं रख सकते हो, क्रेडिट पॉइंट इशू पक्का आएंगे आपको। यू अली, रोहन मुस्तफ़ा और यहाँ पर के दाऊद अगर आप पिक करना चाहो, पर अली अनवर इसीलिए पिक कर रहे हैं सारे के सारे क्योंकि 0.5 क्रेडिट भी बच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ए शेट्टी हमारे पास हैं, फिर उसके बाद जी गोपाल कृष्ण अगर आप रखना चाहो। अब आप देखो अगर आप जी गोपाल कृष्ण रख लेते हो अपनी टीम में तो आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 16 क्रेडिट। अब 16 क्रेडिट में आप क्या क्या ले सकते हो वो आपके ऊपर है। एक ये है कि भैया आप ये प्लेयर लेकर जा सकते हो, जे सिद्दीकी, चलो ठीक है, एक 8 पॉइंट का क्रेडिट हमें मिल गया। अब यहाँ पर एक एच रहमानी बसता है जो पिछले मैच में आपको खेलता हुआ दिखा, ज़्यादा बढ़िया इसने कुछ करा नहीं, पर वो ये क्रेडिट पॉइंट इशू सॉल्व करने हैं तो भैया इस प्लेयर को लेकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप जी गोपाल कृष्णन को ड्रॉप कर दो तो इसकी जगह आप लेकर जा सकते हो अली अनवर को, तो ये आपके ऊपर आप किस प्लेयर को लेकर जा रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप वी अरविंद ड्रॉप कर रहे हो और इसकी जगह 8.5 का ये ले रहे हो तो आपको कुछ हाँ बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो। फिर यहाँ पर 9.8 और यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया आराम से अली अनवर लेकर जा सकते हो, तो ये टीम आपके लिए एक बढ़िया टीम बन सकती है, पर ये टीम आपके लिए रहेगी स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम, तो ये आपको देख के चलना है। ये हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम है, कप्तान वाइस कप्तान। यहाँ पर अगर आप बात करो यू अली बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास रहेगा, रोहन मुस्तफ़ा आप ट्राई करना चाहो तो स्मॉल ग्रैंड लीग में रोहन मुस्तफ़ा आप ट्राई कर सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, रोहन मुस्तफ़ा अगर आप ट्राई करना चाहो। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो ये आपके लिए वैसे बेस्ट टीम हो सकती है, पर वो ये क्रेडिट पॉइंट के इशू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वैसे स्मॉल ग्राइंड लीग की टीम रहेगी मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार अपने कप्तान वाइस कप्तान बताता हूँ। यू अली आपको ज़्यादातर वैसे बॉलिंग ही करवा के देगा, तो अगर ये बॉलिंग बढ़िया करवाता है तो इसका मतलब मेरे हिसाब से रोहन मुस्तफ़ा नहीं चलना चाहिए, तभी ये आपको बढ़िया परफॉर्म करके देगा। मतलब या तो सी सूरी ना चले या तो रोहन मुस्तफ़ा ना चले, दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर नहीं चलता है, तो ये मतलब यू अली हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ती है इनमें कि भैया अगर आप कप्तान बना रहे हो यू अली को, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बॉलिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे। और सामने वाली टीम में हम रख रहे हैं सी सूरी को भी और रोहन मुस्तफ़ा को भी, कि तो ये होगा कि भैया इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा, दोनों तो चलेंगे ही नहीं, तो उसमें से अगर आप चाहो तो सी सूरी रख लो या रोहन मुस्तफ़ा रख लो, या तो कप्तान वाइस कप्तान बदल लो। यहाँ पर वैसे इतना वो मत सोचो, कप्तान वाइस कप्तान सीधा सीधा ले जाओ। यहाँ पर आर मनी को लेकर जाना चाहते हो आर मनी को ले जाओ, यू अली को लेकर जाना चाहते हो यू अली को ले जाओ, और फिर यहाँ पर वाइस कप्तान रोहन मुस्तफ़ा या नहीं तो सी सूरी, दोनों में से कोई एक प्लेयर आप लेकर जाना चाहते हो दोनों में से कोई एक प्लेयर ले जाओ। मैं थोड़ा सेफ जा रहा हूँ तो रोहन मुस्तफ़ा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के दे देगा। अब यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम आपको स्मॉल लीग में परफॉर्म करके दे देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो मैंने क्रेडिट पॉइंट इशू वैसे ही संभाले हैं जैसे मैंने आपको बताया था, कार्तिक मैपन और एच रहमान, फिर उसके बाद यहाँ पर वी अरविंद, सी पी रिजवान, आर मनी, सी सूरी, ए अनवर, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आप बात करो तो हमारे पास क्या है, रोहन मुस्तफ़ा को रखा हुआ है, एस रमेश रखे हुए हैं और ए शेट्टी रखे हुए हैं। ये टीम अगर आप चाहो तो वैसे स्मॉल ग्रैंड लीग में भी लेकर या वैसे ग्रैंड लीग में भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा रिस्क मैंने एस रमेश को लेकर एज अ वाइस कप्तान रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये टीम ग्रैंड लीग में भी लेकर जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है ग्रैंड लीग में लेकर जाने में टीम को। यहाँ पर ये टीम हमारे लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल बहुत बढ़िया रह सकती है। यहाँ पर एफ अहमद रखें और वी अरविंद रखें, एफ अहमद इसलिए कि अगर इनका ओपन ना चले, जैसे अगर आर मणि ना चला ठीक है, उसके बाद के शाह मतलब जो मैंने रखा है इसीलिए रखा है कि थोड़े से क्रेडिट पॉइंट इशू सॉल्व हो सकते हैं हमारे इससे, तो अगर आप के शाह ना लेकर जाना चाहो कोई और प्लेयर लेकर चले जाओ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टीम मैंने ऐसी बनाई क्यों है, रोहन मुस्तफ़ा यह मान के चलो भैया हमें दो विकेट दे गया, मतलब आर मणि, अगर चलो आर मणि भी चल गया तो उसमें के शाह नहीं चलना चाहिए, और उसके बाद आगे के एक दो प्लेयर जैसे सी पी अनवर और सी पी रिजवान और वो सब नहीं चलने चाहिए, उसके बाद एफ अहमद हमें चलता हुआ दिख जाएगा और यू अली आपको थोड़ा नीचे आता हुआ दिखेगा, आपको बॉलिंग करवा के देगा। और ये अगर मैंने वाइस कप्तान रखा है मतलब इन दोनों में से आप मान के चलो, मतलब ये दोनों आप ये तीनों आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, मतलब ऊपर के तीन प्लेयर्स हैं ये, तो ये एक ये हो सकता है कि अगर मैंने यू अली एज अ वाइस कप्तान रखा तो इसमें से कोई एक प्लेयर ना चले, पर दो तो चलेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो मैंने इसलिए रखे हुए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अली अनवर हैं, एस रमेश हैं, जे सिद्दीकी और ए शेट्टी हैं। यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमारा हल्का है, तो अगर आप ये ज़्यादा फोकस बॉलिंग पे करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, आप एफ एम ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ तो थोड़ा सा और क्रेडिट पॉइंट इशू सॉल्व कर सकते हो। तो ये दूसरी टीम हो गई। तीसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने कप्तान रखे हैं वो यू अली रखे हैं, वाइस कप्तान जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं वो रोहन मुस्तफ़ा रखे हैं, बूता रखे हैं, टंडन रखे हैं, सी सूरी, एम उस्मान, के दाऊद, जी गोपाल कृष्ण, एस रमेश, ए रजा और यहाँ पर ए शेट्टी, पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर मैं आपको टीम्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा जो भी होगा इस टीम का, तो यहाँ पर मतलब जो भी जिस भी टीम का जो भी अपडेट होगा तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।